हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 सितंबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली अच्छी खबर तो देश भर के दादा दादियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब 70 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत बीमा योजना का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तकरीबन 6 करोड़ से भी ज्यादा बुजुर्गों के लिए ये सबसे बड़ी गुड न्यूज दी है। अब बुजुर्ग लोगों का भी 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया है। क्योंकि पहले इस योजना में 70 साल तक की उम्र सीमा की लिमिट थी, लेकिन बुजुर्गों के लिए अब ये खुशखबरी है कि 70 साल से ऊपर वाले नागरिकों को भी अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, है ना। तो पहला फैसला तो ये रहा सरकार का। इसके अलावा भी दोस्तों, केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस और इसके अलावा पीएम ई ड्राइव स्कीम को भी मंजूरी मिली। आइए देखते हैं सरकार की तरफ से एक साथ कई बड़े फैसले लिए गए। मैं आपको एक एक करके सभी अपडेट्स बता देता हूं। अच्छा, जो पहला फैसला मैंने आपको बताया ना, 70+ के सभी लोगों को भी अब आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, तो इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं। देखिए, सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अभी हमारे देश में 34 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं और देश भर के तकरीबन 30,000 से ज्यादा हॉस्पिटल इस आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं। कौन कौन लोग अभी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, तो इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय की है सरकार ने, देख सकते हैं। और कौन ऐसे लोग हैं जो आयुष्मान योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं, जिनका पीएफ कटता हो, जिनके पास पक्का मकान और गाड़ी हो और सरकारी कर्मचारी हो गए, वहीं जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, तो ऐसे लोग आयुष्मान योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में 5 अहम फैसले हुए हैं। दूसरा बड़ा फैसला रहा पीएम ई ड्राइव स्कीम को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और ये जो सरकार ने, यूनियन कैबिनेट ने, बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन जैसे 2 व्हीलर्स हो गए, एम्बुलेंस, ट्रक और 3 व्हीलर्स के लिए 2 साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के आउटले के साथ पीएम ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। हालांकि ये ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम से अलग है और पीएम ई ड्राइव के तहत देश भर में 88,500 साइटों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 100% सपोर्ट दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये भी देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अच्छी पहल है। और केंद्रीय कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला देखिए, पीएमजीएसवाई योजना में 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। जी हाँ, पीएमजीएसवाई यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत देश भर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। और 3 राज्यों को तो सरकार ने बड़ा तोहफा भी दिया है, मध्य प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में बिछेगा सड़कों का जाल और इसके लिए सरकार ने बजट भी मंजूर कर दिया है, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया और नीरव मोदी की 29 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। हमारे देश के पीएनबी बैंक से लोन लेकर भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की ये संपत्ति कुर्क की गई है। चलिए खबर है, इंडिया एक्सपो मार्ट में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में प्रधानमंत्री बोले कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ड्राइव करने में अहम भूमिका निभाएगा भारत। ये इवेंट 13 सितंबर तक चलेगा। पीएम ने एक बेहतरीन उदाहरण देते हुए कहा कि ये चिप का ही कमाल है यूपीआई, जिसके बदौलत आज हम आसानी से पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी। ये छोटा चिप कई बड़े बड़े काम कर रहा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में ये सेमिकॉन इंडिया 2024 का इनॉग्रेशन किया और इस उद्घाटन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 6 साल में 60 लाख नौकरियां मिलेगी सेमीकंडक्टर के सेक्टर में। और भी प्रधानमंत्री के संबोधन के भाषण की 5 बड़ी बातें आप ये देख सकते हैं, 5 पॉइंट्स भी। कुल मिलाकर दोस्तों, सेमीकंडक्टर क्षेत्र को लेकर पीएम मोदी का ये सपना है कि दुनिया के हर उपकरण में भारत की बनी चिप लगी हो। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये बातें बोली, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर में अच्छी खासी तेजी देखी गई। 2 स्टॉक में तो अपर सर्किट भी लग गया। तो कुछ यूं रहा कार्यक्रम सेमिकॉन इंडिया 2024 का। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 25 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सीबीआई की चार्जशीट पर भी जवाब दाखिल किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक को जमानत भी दी। वहीं महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, कामकाजी महिलाओं की टेंशन अब दूर होगी, निजी उद्योगों के साथ मिलकर क्रेच खोलेगी सरकार। दरअसल आपको बताऊंगा, हमारे देश में कामकाजी महिलाएं जो होती हैं, हमेशा अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती हैं, राइट। तो अब इसी चीज को महसूस करते हुए सरकार ने बजट में निजी उद्योगों के साथ मिलकर जो क्रेच योजना शुरू करने की घोषणा की थी, तो इस पर अब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री का कहना है कि इस दिशा में सरकार काम कर रही है। अभी भी कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दिनों दिन बढ़ रही है और अगले 5 सालों में सरकार का और प्लान है कि देश के कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनके बच्चों की देखभाल और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। अभी सरकार ने सखी निवास योजना में भी क्रेच स्थापित करने का प्रावधान रखा है, देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। और क्रेचों की स्थापना पर सरकार ने इंडस्ट्री से परामर्श सुझाव भी मांगे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया में एक बार फिर से कोरोना अपना कहर बरपा सकता है। डॉक्टर्स ने चेतावनी जारी की है कि कोरोना का एक नया सब वेरिएंट XEC से खतरा बढ़ सकता है, यानी आने वाले समय में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी दुनिया में कई जगहों पर XEC के मामले सामने आने लगे हैं। खास करके यूरोप में कोविड-19 का यह सब वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। हालिया एक रिपोर्ट में भी इस सब वेरिएंट को लेकर
जो जानकारी सामने आई दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारियों का ध्यान खींचा है और माना जा रहा दोस्तों कि ये जो सब वेरिएंट है ये कोरोना के पुराने वेरिएंट KP.3.11 से भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स और विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने चिंता जताते हुए ये चेतावनी भी दी है। और इधर हमारे भारत में भी मंकी पॉक्स को लेकर सरकार की तैयारियां देखिए आप। NCDC ने राज्यों से कहा कि कोरोना से अलग रहेंगे इसके नियम। मंकी पॉक्स के लिए अभी सामूहिक टीकाकरण की कोई जरूरत नहीं है। NCDC यानी कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की तरफ से देश भर के सभी राज्यों को ये गाइडलाइंस और अलर्ट जारी किया है। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की दुनिया के शीर्ष 25 हवाई अड्डों में भारत का सिर्फ एक एयरपोर्ट शामिल है। OAG की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई और इस रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के टॉप 50 एयरपोर्ट्स में दिल्ली के अलावा मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश, DRI अफसरों को आयातित वस्तुओं पर शुल्क वसूली का भी अधिकार है। कस्टम विभाग ने कोर्ट को इस बात की जानकारी भी दी। वहीं देखिए सरकार का प्लान, अब हेलमेट लगाकर केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करेंगे तीर्थयात्री। लैंडस्लाइड की घटना में दुर्घटना से बचाने के लिए उत्तराखंड प्रशासन ने यह नया प्लान बनाया है, क्योंकि अक्सर ऊपर से पहाड़ों से पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं और सिर में चोट लग जाती है श्रद्धालुओं के, तो अब पैदल चलते दौरान भी उन्हें हेलमेट लगाना होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एक नया ओला स्कूटर जो कि 20 दिन में खराब हुआ और कंपनी ने जब ग्राहक की नहीं सुनी तो ग्राहक ने गुस्से में पूरे शोरूम को ही आग लगा दी। ये तस्वीरें और वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओला का शोरूम धू धू करके पूरा जलने लगा है। घटना है कर्नाटक के बंगलुरु की। यहाँ एक कस्टमर ने गुस्से में कंपनी के शोरूम में ही आग लगा दी। चलिए बड़ी खबर देखिए। 15 मिनट में आंखों से चश्मा उतरवाने का दावा करने वाली आई ड्रॉप की कंपनी पर सरकार ने रोक लगा दी है। हाल ही में आपको बताऊंगा मार्केट में एक नई आई ड्रॉप कंपनी आई थी जिसने ये दावा किया था कि हमारी आई ड्रॉप डालने के बाद 15 मिनट में चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ENTOD एंटोड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने यह दावा किया था। हालांकि अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस तरह के दावों को नियमों का उल्लंघन बताया और भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया। DCGI ने एक्शन लेते हुए प्रेश बायोपिया पर दावों के चलते आई ड्रॉप की मंजूरी को निलंबित कर दिया है। हालांकि कंपनी बोली कि हम इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो ये आई ड्रॉप नहीं बना सकेगी कंपनी और मार्केट में नहीं आएगी। चलिए खबर देखिए दोस्तों। भूकंप के तेज झटकों से हिली राजधानी दिल्ली, डर के मारे सहमे लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। वैसे तो इस भूकंप का मेन केंद्र पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में आए भूकंप से राजस्थान के भी कुछ सीमावर्ती जिलों में हल्के झटके महसूस हुए। राजस्थान के श्रीगंगानगर वगैरह में भूकंप के झटके आए थे। वहीं दिल्ली में किसानों के लिए भी सरकार का एक प्लान देखिए। अब किसानों को पराली जलानी नहीं पड़ेगी क्योंकि सरकार फ्री में बायो डी कंपोजर का छिड़काव करवाएगी। केजरीवाल सरकार की तरफ से प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए यह नया प्लान बनाया है। इस साल भी धान की पराली गलाने के लिए खेतों में बायो डी कंपोजर का निःशुल्क छिड़काव कराया जाएगा। वही खबर देखिए। दिल्ली के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी अच्छी खबर है। अब पैसा सपनों में रुकावट नहीं बनेगा। दिल्ली सरकार की स्कीम स्टूडेंट्स के बेहद काम आने वाली है। दरअसल दिल्ली सरकार ने मुफ्त कोचिंग योजना के अगले चरण में लड़कियों के लिए नीट और JEE की मुफ्त कोचिंग के लिए 100 अतिरिक्त सीटें घोषित कर दी हैं। शिक्षा मंत्री आतिशी ने छात्रों से मुलाकात कर उनसे बातचीत भी की। चलिए खबर है। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। अखनूर में पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग में एक BSF जवान भी घायल हो गया। 7 महीने बाद सीज फायर का वायलेशन देखा गया। और हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। हाईकोर्ट ने 4 आतंकियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कहा कि उम्र कम है इन आतंकियों की, उन्हें भी जीने का अधिकार है। इन आतंकियों ने मोदी की एक सभा में ब्लास्ट किए थे। बिहार पटना हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। वैसे ये घटना है साल 2013 की, जब नरेंद्र मोदी की एक रैली में सीरियल ब्लास्ट किया था इन आतंकियों ने। और घटना के बाद सिविल कोर्ट ने तो सभी आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन अभी फिलहाल पटना हाईकोर्ट ने इनकी सजा को कम करते हुए उम्र कैद में बदल दिया है। और वहीं देखिए किसान आंदोलन पर भी खबर आ रही है। पंजाब हरियाणा के संभू बॉर्डर मामले में हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई और सरकार ने पंजाब हरियाणा के अधिकारियों के साथ बैठक करके एक नई स्ट्रेटेजी भी बनाई। अब किसानों से भी मुलाकात करेगी सरकार ये संभू बॉर्डर खोलने के मामले को लेकर। वहीं देखिए मणिपुर हिंसा मामले पर भी एक कांग्रेस सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि केंद्र सरकार के लिए मणिपुर मायने नहीं रखता है, अगर ऐसा गुजरात में होता तो आप दुखी होते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर भी देखिए आप। बंगाल की ममता सरकार ने बैठक के लिए डॉक्टरों की शर्तों को नकार दिया। कहा कि लगता नहीं आंदोलनकारी खुले दिमाग से बात करना चाहते हैं। अभी भी डॉक्टर्स हड़ताल पर ही हैं। सरकार के साथ मीटिंग के लिए जूनियर डॉक्टर्स ने ये 4 शर्तें रखी थी, लेकिन बंगाल सरकार ने इन शर्तों को नहीं माना है। चलिए डिफेंस सेक्टर पर एक अच्छी खबर आ रही है। रक्षा निर्माण क्षमताओं को बढ़ा रहा हमारा भारत और इसके लिए सैन्य उपकरणों के सह उत्पादन के लिए भारत सरकार ने फिलीपींस को निमंत्रण भी भेजा है। और वहीं देखिए रेलवे से बड़ी खबर दोस्तों। ट्रेन पलटाने की साजिशें अब नाकाम करेगा रेलवे। पटरियों के पास से रखे लोहे के टुकड़े हटाने के निर्देश भी दिए। आए दिन आपको बताऊंगा हमारे देश में रेलवे ट्रैक पर कई साजिशों के तहत लोहे के सरिये सीमेंट के गट्टे रखने की खबरें सामने आती रहती है। तो अब रेल मंत्री ने भी कहा कि ट्रेनों में कई कैमरे लगाए जाएंगे। भारतीय रेलवे के खिलाफ साजिशों के बीच खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला सामने आया जिसमें 84 साल के एक शख्स ने ये दलील दी है कि मुझे आजीवन जेल कारावास देने से बेहतर तो है कि फांसी दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने क्या कहा कि दोषी सजा नहीं चुन सकता है, यानी कि जो आरोपी है उसको सजा चुनने का अधिकार नहीं है, सजा केवल कोर्ट ही सुना सकता है।
सकती है। फिर जरूरी नहीं कि वो 84 साल की उम्र है तो उसको फांसी दे दो, जेल में रहना तो जेल में रहना पड़ेगा ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, अब सुपर स्पीड से चलेगा इंटरनेट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ये प्लान भी बनाया गया है और उन्होंने प्लान बताया कि सरकार का ये मिशन है साल 2025 तक स्थापित होगा भारत का अपना खुद का 4G ढांचा। सिंधिया ने कहा कि भारत ने देश भर में करीब 4.5 लाख टावर लगाए हैं और अभी सरकार ने करीब 20,000 और टावर लगाने के लिए प्लान भी बना लिया। इस पहल के लिए 44,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए खबर है, जल्द ही भारत में दिखेगी हाइड्रोजन वैली। इस कंपनी के साथ मिलकर सरकार ने नया प्लान बनाया। जेनसोल इंजीनियरिंग ने मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल्स लिमिटेड के साथ मिलकर मुंबई पुणे में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली परियोजना स्थापित करने का ठेका हासिल किया है और इससे हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं देखिए दोस्तों, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अब काम आसान होगा। सरकार की तरफ से एक नई सर्विस शुरू की गई है। दरअसल सरकार ने कल बुधवार को निर्यात और आयात से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए एक व्यापारिक पोर्टल शुरू किया है, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म नाम से। इस पोर्टल पर सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम कर्मी जो है MSME वगैरह और कोई भी बड़े कारोबारी तो उनको अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से संबंधित सारी डिटेल जानकारी इस पोर्टल पर मिल जाएगी और ये पोर्टल लगातार अपडेट होता रहेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से इस पोर्टल का उद्घाटन भी किया गया है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने। तो देखिए, एक तो आज 12 सितंबर को देश के 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून हालात देखिए आप, राजस्थान में अजमेर धौलपुर में भारी बारिश का अलर्ट, उसके बाद स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की गई। खतरे के निशान के करीब बह रही चंबल नदी, बनास नदी में भी 2 भाइयों की डूबने से जान चली गई। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट है, 2 किसान टापू पर फंसे, कलेक्टर ने आर्मी की मदद मांगी। भोपाल में भी 5वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी है। भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज छुट्टियां रहेगी, जैसे MP के अशोकनगर, गुना में भी आज छुट्टी की घोषणा की गई है। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। भोपाल में भी नर्सरी से 5वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां रहेगी, आंगनबाड़ी भी बंद रहेगी। मध्य प्रदेश ग्वालियर के तिगरा डैम के भी सभी 7 गेट खोले गए, कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया यहां बारिश का। वही देखिए दोस्तों, पिछले 48 घंटों की बारिश से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए। सबरी गोदावरी नदियां भी उफान पर चल रही हैं। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट देखिए, रायपुर में घर जा रहा एक युवक भी नदी में बह गया। 4 राज्यों के रूट बंद है, संपर्क टूटा छत्तीसगढ़ से। आज भी 10 जिलों में अलर्ट है। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए, बुंदेलखंड में जोरदार बारिश हुई, झांसी की गलियां तो मानो नदी बन गई। यूपी के 7 जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए आज। वहीं बिहार में देखिए, पटना समेत 26 जिलों में बरसात का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के भी 2 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, आज भी कुछ क्षेत्रों में येलो अलर्ट है। झारखंड के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 13 सितंबर को कल 8 जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी। पंजाब चंडीगढ़ में भी 14 सितंबर से बदलेगा मौसम, हालांकि आज कई जिलों में बारिश की संभावना नहीं है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो देख सकते हैं आप आज 12 सितंबर को किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, सोना 404 रुपए बढ़कर 71,994 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जबकि चांदी में बहुत ज्यादा तेजी देखी गई। 1200 रुपए प्रति किलो महंगी हुई चांदी और अभी चांदी का भाव 83,407 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए फटाफट से मार्केट के भी कुछ अपडेट देख लेते हैं। देखिए, सेंसेक्स 398 अंक की गिरावट के साथ 81,523 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 122 अंक की गिरावट देखी गई। और निवेशकों के लिए खबर है, आने वाले 16 सितंबर को 2 कंपनियों के IPO ओपन होंगे, आर्केट डेवलपर्स और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल में निवेश का मौका होगा। वही देखिए, कांग्रेस ने कहा कि सेबी चेयरपर्सन के पति को महिंद्रा से पैसा मिला, दावा किया कि मामले निपटाने के लिए 4,78,00,000 रुपए मिले हैं। तो ये भी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है सेबी चेयरपर्सन को लेकर। और खबर देखिए आप, गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट पर बर्थ विकसित करेगी एब्सेज कंपनी। वही एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की, वर्ल्ड कप 2023 से इंडियन इकोनॉमी ने 11,736 करोड़ रुपए कमाए, ICC की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। और 2 महीनों में ही इस इवेंट से 48,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। और चलिए मार्केट के बाद अब आगे बढ़ते हैं खबरों में, फटाफट से कुछ अपडेट देख लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य अनुसंधान में AI की भूमिका पर NHA और IIT कानपुर के बीच एक अहम समझौता हुआ। खबर है, भारत और नेपाल के बीच खोली गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पर्यटन के साथ दोनों देश की सांस्कृतिक संबंधों को भी मिलेगी मजबूती। वही देखिए, PM मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर 2रे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि हम नए और नवाचार क्षेत्र की खोज कर रहे हैं। आज भी PM मोदी नई दिल्ली में नागरिक विमानन पर 2रे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। और खबर है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों के रूप में 6 नए पोर्टल का उद्घाटन किया। ये पोर्टल किन किन कामों के लिए शुरू किए गए हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। ज्यादातर पोर्टल से युवाओं को फायदा मिलने वाला है। और वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव के 2 मंत्रियों ने त्याग पत्र भी सौंप दिया, मतलब इस्तीफा दे दिया उन्होंने। भारत मालदीव के बीच काफी विवाद कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको पता होगा, पिछले कुछ महीनों में। चलिए खबर देखिए आप, ट्राई का नया प्लान, स्पैम कॉल रोकने के लिए जो टेलीकॉम कंपनियां नाकाम रहेगी उनकी बैंक के गारंटी से वसूला जाए जुर्माना। ट्राई की तरफ से ये सख्त निर्देश भी जारी किए हैं हमारे देश में स्पैम और धोखाधड़ी से जुड़े कॉल पर रोक लगाने के लिए। चलिए दोस्तों, कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए आप। दिल्ली में भाजपा नेता तरविंदर सिंह ने कहा कि राहुल का हाल दादी की तरह होगा। कांग्रेस ने कहा कि ये नफरत की फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, इस पर मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि मोदी झूठों के सरदार हैं। 400 पार
वाले 240 पर सिमटें, अगर हमारी 20 सीटें और आती तो भाजपा के कई लोग जेल में होते। वहीं हरियाणा इलेक्शन के माहौल के बीच मुख्यमंत्री ने हरियाणा की विधानसभा को भी भंग किया। संवैधानिक संकट के चलते नायब सैनी सरकार ने यह फैसला लिया, विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है, मतलब कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। हालांकि गवर्नर से मुख्यमंत्री की मुलाकात टली। वहीं देखिए आप, बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आए और बोले कि मोदी के नया कश्मीर नैरेटिव के खिलाफ लड़ूंगा, साबित करूंगा कि कश्मीरी पत्थरबाज नहीं है। वैसे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर भी अपडेट आ रहा, कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकार का फैसला, खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर केंद्र सरकार ने लगी पाबंदियों को 5 साल और बढ़ा दिया, यानी 5 साल तक इस संगठन पर और बैन रहेगा। खबर है मुंबई में नागालैंड के मंत्री टेम जेन के खिलाफ भी जांच शुरू हुई। राज्य में 125 करोड़ निवेश का मामला, कंपनी ने आरोप लगाया कि इन्वेस्टमेंट के बाद सरकार ने दूरी बनाई। वहीं खबर आ रही कि कांग्रेस ज्वाइन करेगी देश की सबसे अमीर महिला, भाजपा सांसद की मां, बीजेपी ने टिकट नहीं दी इनको और कांग्रेस की लिस्ट भी इसी वजह से अटकी पड़ी है। आपको बताओगे अभी 2-3 दिन पहले ही सावित्री जिंदल, जिन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया, तो अब वो कांग्रेस में शामिल होने का प्लान कर रही है। और चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश शिमला में जो मस्जिद का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रदर्शन अभी भी जारी है। हिंदू संगठनों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, वाटर कैनन चलाई। और छत्तीसगढ़ में देखिए एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई, 15 मिनट में 5 करोड़ का सोना लूटा। एक ज्वेलरी शॉप से 8 किलो गहने लेकर झारखंड की ओर भागे बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी वारदात भी देख सकते हैं आप तस्वीरें। हालांकि अभी तक भी चोर पकड़ में नहीं आए हैं। चलिए अगली एक अच्छी खुशखबरी देखिए आप, पंजाब में 10,77,000 राशन कार्ड बिना किसी जांच के बहाल किए। भगवंत मान सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, इन राशन कार्ड धारकों का कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। पंजाब सरकार ने रद्द कर दिए थे अभी कुछ दिनों पहले ये राशन कार्ड, लेकिन हो सकता है चुनाव को देखते हुए वापस ये निर्णय लिया हो। वहीं बिहार में देखिए आप, नीतीश सरकार ने किसानों की मौज कर दी, धान और गेहूं के साथ इन दो फसलों पर भी अब MSP मिलेगी और वो फसलें हैं दलहन और मक्का पर भी MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का ऐलान किया बिहार के नीतीश सरकार ने। 1 नवंबर से ही किसानों के लिए धान की खरीद शुरू हो जाएगी। वैसे बिहार में शिक्षकों की सैलरी पर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों, 1 अक्टूबर से एक नियम बदल जाएगा और इस नियम के मुताबिक शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ही लगाना अनिवार्य होगा, तभी बिहार के शिक्षकों को सैलरी मिल पाएगी। वहीं बिहार के नीतीश सरकार ने जिलों के DM साहब की पावर को भी बढ़ा दिया है, अब इस योजना में 1 करोड़ रुपए तक की राशि को मंजूरी दे सकेंगे जिला अधिकारी भी। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना में यह बड़ा बदलाव किया, जिसके तहत अब जिला अधिकारियों को यह राइट्स होगा, मतलब अधिकार होगा कि 1 करोड़ तक की योजनाओं को वो मंजूरी दे पाएंगे, है ना। ये योजना 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी बिहार में। चलिए अगली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण करने वाले 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, 4 को 10-10 साल की जेल की सजा। हिंदू से मुस्लिम बने उमर ने 1000 लोगों का धर्म बदलवाया। वही खबर है यूपी में होटल व्यवसाय में निवेश करने पर सब्सिडी दे रही यूपी सरकार, नई पर्यटन नीति के तहत पंजीकरण का काम और तेज होगा, मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होटलों के निर्माण के लिए योगी सरकार 10-25% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है ना। और खबर है यूपी एडेड स्कूलों में सतर्कता जांच का विरोध किया, शिक्षकों ने हड़ताल की चेतावनी भी दी। 40,000 स्कूलों में जो जांच के आदेश दिए योगी सरकार ने, उसके बाद अब शिक्षकों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं यूपी में देखिए बिजली विभाग का भी डिजिटलीकरण किया जाएगा, अब DVVNL दफ्तरों में नहीं होगी कागजी कार्यवाही। दिसंबर तक पूरा काम सभी जिला कार्यालयों में ऑनलाइन करने का प्लान बनाया है बिजली विभाग की तरफ से। और खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेमिकॉन इंडिया 2024 में निर्देश दिया, कहा कि यूपी की छवि निखारने के लिए विदेशी मेहमानों की सुविधाओं का उनके ख्याल का ध्यान रखें, मतलब ऐसा है ना। चलिए खबर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कोलकाता डॉक्टर केस पर एक और अपडेट आ रहा, किस मामले के बाद अब हरकत में आई बंगाल सरकार, राज्य में खुलेगी 5 नई पॉक्सो अदालतें भी। वैसे आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में अभी पहले से 62 पॉक्सो कोर्ट है, लेकिन अब 5 और कोर्ट खोलने को मंजूरी दे दी है ममता बनर्जी ने। वही देखिए बड़ी खबर, अब मध्य प्रदेश में नहीं होगी अनाज की जमाखोरी, गेहूं के स्टोरेज को लेकर मोहन यादव सरकार की तरफ से नया नियम बना दिया है और ये स्टॉक लिमिट लागू कर दी है जो कि अगले साल 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। फुटकर व्यापारी अभी भी 10 टन से ज्यादा गेहूं अपने पास नहीं रख सकेंगे, है ना। चलिए खबर है, अब डाक खाने में भी चार्ज हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक वाहन, इस राज्य में ये नई सर्विस शुरू हुई है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। तेलंगाना सरकार की ये नई पहल है और सैनिकपुरी डाकखाना देश में पहली तरह का ईवी चार्जिंग स्टेशन वाला पोस्ट ऑफिस बन चुका है, मतलब डाकघर में भी अब आप अपनी ईवी गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर है, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिए 137 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन और फिनाना सीएम प्रोजेक्ट को इससे रफ्तार मिलेगी। वहीं किसानों के लिए एक और खुशखबरी देखिए आप, सौर ऊर्जा नीति से मालामाल होंगे अन्नदाता, 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा किसानों को। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत सरकार का जो ये प्लान है, इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि किसान इस योजना के प्रतिभागी बन सकते हैं और किसानों को कुल मिलाकर 1.5 करोड़ तक का अनुदान मिलेगा। इसके लिए क्या नियम और शर्तें होंगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, इस राज्य में अब नकलचियों की खेड़ नहीं, सरकार ने विधानसभा में पेश किया एक सार्वजनिक परीक्षा बिल। असम राज्य सरकार की तरफ से परीक्षा में पेपर लीक करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ये विधानसभा में एक नए बिल को मंजूरी दे दी है और इसके तहत पेपर लीक की घटना में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल की सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा है। तो ये एक अच्छी पहल है असम सरकार की वाकई में। वही देखिए उड़ीसा सरकार का भी नया प्लान, कुत्तों के लिए भी शमशान घाट बनाएगी सरकार और 200 गौशाला भी बनाई जाएगी, गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी भी देगी। उड़ीसा में बीजेपी सरकार की तरफ से ये प्लान बनाया।
है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का भी एक बड़ा फैसला देखिए, चालान पर मिलेगी 50% तक की छूट। बस एलजी की मंजूरी का इंतजार है, बाकी दिल्ली सरकार ने जनता से यातायात जुर्माना भरवाने के लिए अब सीधी 50% छूट देने की घोषणा की है। मतलब जिन भी लोगों का यातायात चालान बाकी है वो 50% छूट के साथ 90 दिनों के अंदर अंदर जमा करवा सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, टाटा स्टील को ब्रिटेन की सरकार देगी 50 करोड़ पाउंड का अनुदान। श्रमिकों के भविष्य के लिए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है, क्योंकि कंपनी अभी वित्तीय संकट झेल रही है और इसी बीच कंपनी की ब्रिटिश इकाई के लिए सरकार ने यह घोषणा की है। और मोदी सरकार का एक और प्लान देखिए, देश के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए साल 2030 तक $500 अरब का टारगेट रखा है। ग्रेटर नोएडा सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन के दौरान ही पीएम ने यह बात की घोषणा की है। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान के 150 जीएसएस प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी है। 132 केवी सब स्टेशन पर अगले महीने से बदलेगी व्यवस्था। हालांकि सरकार के इस प्लान के बाद अब विरोध में उतरे कर्मचारी संगठन भी। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में गोवंश के लिए बनेंगे गो वन्य विहार। उड़ीसा सरकार की ही तरह ये प्लान है एमपी सरकार का भी। एक ही जगह 20,000 गायों के चारे, पानी और शेड का इंतजाम होगा। वैसे जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, जो कि अभी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी देखिए किसानों को बड़ा तोहफा दिया। रात में आए प्रस्ताव को सुबह ही मंजूरी दे दी और इस प्रस्ताव से लाखों किसानों को फायदा होगा। बात कुछ यूं है कि किसानों को अब सोयाबीन की फसलों पर भी एमएसपी का फायदा मिलेगा। हालांकि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में पहले से ये फायदा मिल रहा था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने के प्रस्ताव को शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दे दी है। यानी एमपी में भी अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदारी होगी। किसान भाई लोग अपनी इस मांग को लेकर 20 दिन से आंदोलन भी कर रहे थे। तो फिलहाल केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 4892 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि किसानों की तो ये मांग है कि 6,000 रुपए की एमएसपी रखी जाए, लेकिन फिलहाल 4892 की रखी है सरकार ने, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, ओल्ड पेंशन स्कीम पर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया। इंदौर उज्जैन समेत प्रदेश भर के मेडिकल अधिकारियों की तरफ से याचिका लगाई गई और इस याचिका पर अब हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के अंदर अंदर जवाब भी मांगा है। देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से आगे क्या फैसला सुनाया जाता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए खबर, मध्य प्रदेश की 60 सड़कों को भी केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज ने स्वीकृत किए 152 करोड़ रुपए। चलिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए आप, पीसीएस 2005 के परीक्षार्थी आंसर सीट पाने के हकदार हैं। सूचना आयोग के फैसले को हाईकोर्ट ने सही बताया, कहा कि आरटीआई के तहत देनी होगी उत्तर पुस्तिका। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में सीमेंट की बोरी 60 रुपए महंगी हुई, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में डिमांड है। और ब्रिजमोहन ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा कि जब मजदूरी नहीं बढ़ी तो इसके दाम क्यों बढ़ाए गए। अभी छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट के कट्टे में बोरी में कीमतों में इजाफा कर दिया, प्रति बोरी 40 से 50 रुपए तक बढ़ाए गए। इसके बाद अब सीमेंट कट्टा 310 रुपए का हो गया है। वहीं खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों को पीएम आवास की राशि मिलेगी। 15 सितंबर को आवास प्लस मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। डिप्टी सीएम बोले कि लिस्ट में जुड़ेंगे नए नाम। चलिए यूपी से खबर देखिए आप, नोएडा में हाई जंप खिलाड़ी प्रवीण कुमार से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सीएम बोले कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया आपने। वहीं देखिए बिहार में समस्तीपुर में तेजस्वी यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। प्रीपेड मीटर की शिकायत कर रहे लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम नया बिहार बनाएंगे। वैसे बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है, आने वाले 15 सितंबर से चलेगी टाटा नगर पटना वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 6 घंटे 50 मिनट में पूरा होगा 450 किलोमीटर का सफर। वैसे ना सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड समेत कई राज्यों में नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करेंगे। 15 सितंबर को झारखंड आएंगे पीएम मोदी। यहां जमशेदपुर से 11 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बच्चों व रेलकर्मी से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा भी 15 सितंबर को झारखंड में लाखों अभ्यर्थियों को पीएम आवास योजना की अगली किस्त भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2,745 करोड़ रुपए की किस्तें जारी करेंगे टोटल, है ना। चलिए खबर देखिए आप, बिहार में चिकनगुनिया से 7 दिन में 5 बच्चों की मौत हुई। बिहार के अररिया में परिजनों ने आरोप लगाए कि जांच के नाम पर ब्लड ले रहे। सीएस बोले कि इम्यूनिटी कमजोर होने से गई जान। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट के भी कुछ बड़े फैसले देखिए आप। ग्रामीण हाटों के विकास के लिए कृषि विपणन निदेशालय का गठन किया जाएगा। किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलेगा। कृषि विभाग के अधीन होगा ये सब कुछ। कुछ फैसलों की डिटेल देखिए आप, कटिहार बेगूसराय में अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे। लगातार सेवा से गायब रहने वाले 7 डॉक्टरों को बर्खास्त भी किया। और राज्य में इस तरह के वाहनों के लिए अर्थदंड में छूट योजना को भी 31 मार्च 2025 तक लागू करने की घोषणा की है नीतीश सरकार ने। इसके अलावा कैंटीन में ग्रुप डी की बहाली तकनीकी सेवा आयोग के जरिए करवाई जाएगी। और बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक के कुछ और अन्य निर्णय भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड में एक नया प्लान, अब यूनिवर्सिटी ही करेगी शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति। शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया प्रस्ताव तैयार किया गया, बस कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार है। वहीं खबर है उत्तराखंड में कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आज से शुरू होगी। प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। 13 सितंबर को बाबा के जलाभिषेक के बाद यात्रा का समापन होगा। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए बिहार बोर्ड सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। 27 सितंबर तक खुली रहेगी विंडो। वहीं ऑल इंडिया आयुष पीजी काउंसलिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए। राउंड वन के लिए 16 सितंबर तक पंजीकरण का मौका है। सरकारी नौकरी पर अपडेट है, राजस्थान सीईटी 2024 एग्जाम डेट बदल चुकी है। अब 27-28 सितंबर को होगी परीक्षा। एज लिमिट 40 साल। वहीं देखिए आईआईटी से करें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीएससी बीएस वगैरह। जेईई के स्कोर की भी जरूरत नहीं होगी। राजस्थान आईआईटी जोधपुर की तरफ से नया कोर्स शुरू किया गया है। और खबर
तरह राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर के भी 1200 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। 56,000 तक का वेतन मिलेगा। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों। एमजी की विंडसर ईवी 10 लाख रुपए में लॉन्च हुई। ये भारत की पहली क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल है। फुल चार्ज करने पर 331 किलोमीटर का माइलेज देगी। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। लावा का ब्लेज 3 5G स्मार्टफोन जल्द लॉन्च होगा। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी मिलेगी। अनुमानित कीमत 15,000 रुपए तक हो सकती है। खेल समाचार पर खबर देखिए। भारत हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा। लगातार तीसरी जीत हुई। मलेशिया को 8-1 से हराया। राजकुमार की हैट्रिक भी देखने को मिली। वही खबर है दोस्तों, 200 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी करेगी सैमसंग कंपनी। बिक्री में लगातार गिरावट के बीच कंपनी ने यह फैसला लिया है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए आप। इजराइल हमास जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। गाजा पर कहर बनकर टूट रहा इजराइल। अब सुरक्षित जोन में हमला किया, 19 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। और एक खबर है कि कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव किया। भीड़ ने कई दुकानें और गाड़ियां जलाई। पिछले साल भी दरगाह के सामने दंगा हुआ था, आपको पता होगा। और इस बार एक बार फिर से ये धार्मिक हिंसा देखने को मिली है। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए तुला राशि वालों की डेली इनकम बढ़ेगी। कर्क राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। मीन राशि वालों को भी रुका पैसा मिल सकता है। सिंह राशि के लोग पारिवारिक विवादों से बचें। और धनु राशि के लोगों को यात्रा पर जाना पड़ सकता है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कोई भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नाम बताइए जिनमें सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जाता है।